Good morning, second standard students. How are you all? I hope you all are fine and healthy at your home. Okay, children? ठीक. आज देखो पेज नंबर 11 पे ये क्या दिया हुआ है. हाउ दे स्लीप सेकेंड चैप्टर है हमारा, फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर. हाउ दे स्लीप मतलब कौन कैसे सोता है ना. इसमें ये बताया कि कैसे अलग अलग पोजिशंस में लोग सोते हैं. ठीक है, तो When you feel sleepy, where do you sleep? जब आपको बहुत नींद आती है तो आप कहाँ सोते हो? Obviously हम बेड पे जाके सो जाते हैं, है ना. पर कुछ लोगों को अलग अलग जगह पर भी अच्छी नींद आती है. जैसे which spot is the most comfortable? आपको सबसे ज़्यादा spot कौन सा comfortable लगता है? Tell your teacher, अपने teacher को बताइए. Okay, देखो ये baby है, ये floor पे सो गई है. कहाँ पे सो गई है? ज़मीन पे ही सो गई है. ये बेबी सोफ़ा पर सो गई है अपने टेडी बियर के साथ. देखो दिख रहा है ना, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, अपने टेडीज़ के साथ सोना पसंद करते हैं. एंड दिस वन देखो बेड पे सोया हुआ है. और ये बेबी देखो कार में सो गई है. जब हम बहुत लॉन्ग सफ़र करके थक जाते हैं तो आते हैं वापस, तो हम क्या होते हैं, समटाइम्स हम कार में भी सो जाते हैं, है ना. तो यहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि वो कैसे सोते हैं. ओके चिल्ड्रंस, सम थिंग्स गो टू स्लीप इन सच अ फनी वे. और वो फनी वे का मतलब है कुछ जो होते हैं वो इतने हमको देख कर उनको हंसी आ जाती है. मतलब फनी वे मतलब हंसी आ जाती है उनको देख के, इतने अजीब तरीके से लोग सोते हैं. लिटिल बर्ड स्टैंड ऑन वन लैग एंड टक देयर हेड्स अवे. देखो छोटी चिड़िया कैसे सो रही है ना. तभी आप ध्यान से देखना पेड़ के ऊपर, रात में जब चिड़िया सोती है तो उसको ध्यान से देना, वो देखना वो एक ही लेग पर सोती है. पता है एक लेग को वो अपने अंदर स्टक ऐसे रख लेती है और उसका जो हेड होता है वो ऐसे साइड में पड़ा रहता है. आप लोग देखना ध्यान से, है ना बच्चों. एंड नाउ चिकन्स डू द सेम स्टैंडिंग ऑन देयर पर्च. चिकन्स भी ऐसे ही सोते हैं जैसे बर्ड्स होती है. अब ये देखो हु इज़ दिस, दिस इज़ लिटिल माइस. लिटिल माइस लाइ सॉफ्ट एंड स्टिल एज इफ दे वेयर इन चर्च. तो लिटिल माइस क्या करती है, वो कैसे सोती है, बहुत सॉफ्टली ऐसे एकदम ज़मीन पे सिर रख के और सो जाती हैं. एंड किटन्स कर्ल अप क्लोज इन सच अ फनी बॉल. देखो ये किटन है कैसे सो गई है, एकदम गोल बन के सोती है. आपने कभी नोटिस किया हुआ हो, देखना आपके आसपास कभी कोई कैट हो, छोटी सी किटन हो, तो उसको देखना वो कैसे सोती है, पूरा छोटा सा बॉल बन के सोती है और एकदम अपने पैर और अपने हेड को अपने अंदर रख लेती है पूरा. हॉर्सेस हैंग देयर स्लीपी हेड्स एंड स्टैंड स्टिल इन अ स्टॉल. और हॉर्सेस देखो कैसे सोते हैं, अपने सिर को ऐसे हैंग करके सो जाते हैं और खड़े खड़े ही सो जाते हैं वो तो. ठीक है ना बच्चों. Sometimes dogs stretch out or curl up in a heap. और जो डॉग कैसे सोते हैं, आपने डॉग को सोते हुए देखा है कभी, देखा होगा ना. डॉग तो ऐसे गोला बना के, वो भी ऐसा गोला बना के सो जाता है और अपनी पूंछ को अपने अंदर रख के और पैरों पे अपने सर को रख के, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसे सोता है. काउ लाए डाउन अपॉन देयर साइड्स व्हेन दे वुड गो टू स्लीप. और काऊ क्या करती है, काऊ क्या करती है, अपने सिर को नीचे कर लेती है और एक साइड ऐसे लेट जाती है, ऐसे सोती है काऊ. बट लिटिल बेबीज डियर आर स्नगली टक्ड इन बेड्स. पर हम छोटे बच्चों को कहाँ पे सुलाते हैं, हमेशा बेड में सुलाते हैं और उनको अच्छे से ढाक कर सुलाते हैं. वॉर्म विद ब्लैंकेट्स ऑल्सो सॉफ्ट. और उनको गर्म कूजी ब्लैंकेट में सुलाते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. एंड पिलोस ऑन देयर हेड्स. और उसके हेड के पास हम क्या रखते हैं, पिलो रखते हैं ताकि उसके सर में दर्द ना हो. तो बच्चों सभी की अलग अलग पोजीशन होती है सोने की, है ना. आप ज़रूर देखना कि बर्ड कैसे सोती है, काऊ कैसे सोती है, चिकन कैसे सोती है, कैट कैसे सोती है. देखो कैट इसमें दिया हुआ है ना, कैट कैसे सोती है और हॉर्स कैसे सोता है. ठीक है, नोटिस करना ये बात. ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू.